नमस्कार बंधु बान्धवी मैं आपको खुदुटिके रिसेंट कारेंट अफेयर और मेनी अब यूट्यूब चेनेलर भिडिओ स्वागत जानलो बंधु बान्धवी यू भिडि आम परीक्षार कारण पुलिस हमको फरेस्टर हमको इडुकेशन डिपार्टमेंटर परीक्षा हमको अन्य परीक्षार कारण डायरेक्टरेट अफ टेक्निकल इडुकेशन परीक्षा हमको लखीमपुर मेडिकल कलेज परीक्षा हमको ये सकोबूर परीक्षार कारण उपयुक्त हवा कोई जिके क्वेश्चन कईटमान आम आगे आगे लैसो गए अपने भिडियो शेष लगे चाहो जो भिडियो भल पाए लाइक कर चेनेल जो इतने सबसक्राइब कर ला चेनेल सबसक्राइब कर लो और बंधु बान्धवी शेयर कर दी नपहर सो बंधु बान्धवी मैं जो तो भिडियो आपको प्रश्न तो सीसूँ प्रथम रंगीन कथाछबि नाम कि कथाछबि कि सन में मुक्ति पासी गति यार शुद्ध उत्तर हम फाइटी ऑप्शन नम्बर बी टू अपना शुद्ध उत्तर प्रथम रंगीन छवि हम फाइटी और यह छवि मुक्ति पासी 1972 सन में और यह छवि छवि डायरेक्टर आसे कमल नारायण चौधरी गति के बंधु बान्धवी यूटे जो तो भिडियो आपको खुदा प्रश्न उत्तर अपने सकुए जिम्मे उत्तर दी सकुए शुद्ध उत्तरे कर गति के आज तैने शेष क्वेश्चन आगाम गति के क्वेश्चन तो चाह ल सो आज इतना 17 नम्बर क्वेश्चन तो चाहो आज प्रथम क्वेश्चन जोनबिल मेला कत आयोजन जोनबिल मेला कौन डिस्ट्रिक्ट कौन जिलत आयोजन करके अपशन पर चाहिए तेजपुर जोरहाट मरीगाँव नगाव जोनबिल मेला आयोजन है मरीगाँव गति के अपशन नम्बर सी टू आपको शुद्ध उत्तर हम सो बंधु बान्धवी आज भिडिओ दो नम्बर क्वेश्चन और कन्टिन्यूस हिसाब से 18 नम्बर क्वेश्चन क्वेश्चन तो हम भक्तिरत्न पुथिखन कोने रचना करें अपशन पर चाहिए माधवदेव शंकरदेव अनंत कंदुली और ज्योतिप्रसाद अगरवाला गति के यार शुद्ध उत्तर हम भक्तिरत्न पुथिखन रचना करें माधवदेवे अपशन नम्बर ए टू शुद्ध उत्तर इतना सुधिसे पानीदिहिंग पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य कौन जिला अपशन पर आज जोरहाट डिब्रुगढ़ शिवसगर तिनिचुकिया गति के यार शुद्ध उत्तर हम अपशन नम्बर सी शिवसगर पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य आज इतना 20 नम्बर क्वेश्चन तो चाहिए कौन जिला बनांचल आटाइतक बेसि यार शुद्ध उत्तर हम अपशन नम्बर डी कार्बि अलंग जिला बनांचल आटाइतक बेसि 21 नम्बर क्वेश्चन तो चाहिए कौन अभयारण्य सोनाली बान्दर पा जाए कौन अभयारण्य सोनाली बान्दर आसे अपशनबूर आज काजिरंगा मानस चक्रशिला अभयारण्य और ऊपर एट नए गति के यार शुद्ध उत्तर हम चक्रशिला अभयारण्य चक्रशिला अभयारण्य कि है सोनाली बान्दर आसे अनुमानवी गल इतना 22 नम्बर क्वेश्चन तो चाहिए 22 नम्बर क्वेश्चन से प्रथम स्टेडियम कौन स्थापित प्रथम स्टेडियम नाम तो कब लगे अपशनबूर नेहरू स्टेडियम जोरहाट स्टेडियम शिलचर स्टेडियम अपशन डी आज नेहरू स्टेडियम और जोरहाट स्टेडियम दुटा गति के यार शुद्ध उत्तर हम जोरहाट स्टेडियम आसमर प्रथम स्टेडियम 22 ऑप्शन नम्बर बी टू शुद्ध उत्तर इतना 23 नम्बर क्वेश्चन तो चाहिए राजधानी कौन सन में शिलंगर दिसपुर स्थानान्तर कर दिसपुर आनी राजधानी प्रथम शिलंगत आरपा दिसपुर आनी कब लगे कौन तो सन में शिलंगर दिसपुर आनी गए इतना शुद्ध उत्तर हम 1972 सन में राजधानी शिलंगर दिसपुर स्थानान्तर कर क्वेश्चन नम्बर 24 बहुत इम्पर्टेन्ट प्रश्न एटा एने क्वेश्चन परीक्षा आगे स्वाधीनतार समय जिला किमान आसे स्वाधीनतार समय 1947 सन जिलार संख्या आज 13 गति के अपशन नम्बर डी टू शुद्ध उत्तर हम उन्नवी गल आपन मैं क्वेश्चन एट कौ सूँ अपने कमेन्ट कर जाना दी बर्तमान समय टोटल जिला किमान इतना बनवा 25 नम्बर क्वेश्चन तो चाहिए ज्योतिप्रसाद अगरवालाय निर्माण कर द्वितीय चलचित्र नाम कि आम सकुए गम पाँ ज्योतिप्रसाद अगरवालाय निर्माण कर प्रथम चलचित्र हूँ जयमती इतना सुधिसे आम द्वितीय चलचित्र नाम कि सुधिसे यार उत्तर हम इंद्रमालती अपशन नम्बर बी टू शुद्ध उत्तर पुनर्नवी कल 26 नम्बर क्वेश्चन तो चाहिए विख्यात शराइघाटर रण कि सन में शराइघाटर युद्ध केपशनबूर आज 1670 1665 1570 और 1565 गति के यार शुद्ध उत्तर हम शराइघाट रण हो 1671 सन इतना पुनः 27 नम्बर क्वेश्चन तो चाहिए स्वाधीन भारत प्रथम गृहमंत्री कौन आपशन पर चाहिए वल्लभ भाई पेटेल मिहिर सेन मौलाना अबुल कलम आजाद और सोमनाथ शर्मा
গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী আছিলে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ উত্তৰ। পুনৰ 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী কোন হয়? চ' আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ বিভাগটো বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ কেবিনেটত নাই, সেই বিভাগটো স্থানান্তৰ কৰি অন্য এটা বিভাগলৈ পৰিণত কৰিছে, সেই বিভাগটো বৰ্তমান সময়ত সেই বিভাগটোৰ নাম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কৈ দিব। আৰু এতিয়া মই আজিৰ প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব, প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে অপশ্যন নম্বৰ চি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। বন্ধু বান্ধৱী গ'ল, এতিয়া 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কোনে কলাগুৰু উপাধি দিছিলে? আমি সকলোৱে কওঁ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বুলি কওঁ, এই যে কলাগুৰু উপাধিটো কোনজন ব্যক্তিয়ে দিছিলে? গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কলাগুৰু উপাধিটো দিছিলে। চ' বন্ধু বান্ধৱী গ'ল, 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, শৰাইঘাটৰ দলং কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল? অপশ্যনবোৰ আছে 1960, 1962, 1948 আৰু 1958। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শৰাইঘাটৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে 1962 চনত, অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ উত্তৰ। চ' বন্ধু বান্ধৱী গ'ল, এতিয়া 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, সত্যমেৱ জয়তে শব্দটো ক'ৰ পৰা লৈছে? অপশ্যনত আছে কালিকা পুৰাণ, ৰামচৰিত মানস, মুকুন্দ উপনিষদ আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়। গতিকে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সত্যমেৱ জয়তে শব্দটো লৈছিলে মুকুন্দ উপনিষদৰ পৰা, অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ উত্তৰ। চ' বন্ধু বান্ধৱী গ'ল, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এইটো আপোনালোকক কুৱেশ্যন দিলোঁ, আপোনালোকক মই তিনিটা কুৱেশ্যন দিলোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে অসমৰ প্ৰথম বৰ্তমান সময়ত অসমৰ টোটেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সংখ্যা। ছেকেণ্ডটো হ'ল শিক্ষা বিভাগটো, অসম ভাৰতৰ যি শিক্ষা বিভাগ আছিলে সেই শিক্ষা বিভাগটো বৰ্তমান সময়ত ৰূপান্তৰিত কৰি কোনটো বিভাগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে সেই বিভাগটো আপোনালোকে ক'ব লাগে। আৰু এইটো কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে তিনিটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কি কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। এই কুৱেশ্যনটো হ'ল কোনজন ক্ৰিকেটাৰক উইজডেনে 21 শতিকাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান খেলুৱৈ বুলি অভিহিত কৰিছে? 21 শতিকাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান খেলুৱৈ বুলি কোনজন ক্ৰিকেটাৰক অভিহিত কৰিছে? গতিকে এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত জনাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, আপোনালোকৰ দিনবোৰ শুভ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।